के टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिखे गए, उसको देखिए जरा। पहला पॉइंट है कोशिकीय प्राणियों के शरीर में तरल या संवहनीय ऊतक पाया जाता है, ठीक है। जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें बहुकोशिकीय प्राणियों के शरीर में, ठीक है, तरल या संवहनीय ऊतक पाया जाता है जिसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। तरल या संवहनीय ऊतक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगला पॉइंट है जो पचे हुए पोषक पदार्थों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हार्मोन्स तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों के यातायात का कार्य करता है, ठीक है। ये जो परिसंचरण तंत्र है ये इन सब के यातायात का कार्य करता है, मतलब लेके आने और लेके जाने में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे शरीर में एक विस्तृत पाइपलाइन है, ठीक है, यानी कि पाइपलाइन बिछी हुई, ठीक है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, है ना। इनके कुछ कार्य ये हैं कि फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला पॉइंट क्या है, फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के कार्य। पहला कार्य खाद्य पदार्थों का परिवहन, ये जो आहार नाल होती है उसमें पचे हुए पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का जो है परिवहन करते हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं हैं सारी कोशिकाओं के पास ये जो है परिसंचरण तंत्र इस खाद्य पदार्थ को लेकर के जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है, यहाँ पे जो है ये परिसंचरण तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी कोशिकाओं से मुक्त होते हैं उन सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ये फेफड़े तक लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया गया हार्मोन्स का परिवहन, ठीक है, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक। अगला पॉइंट है चौथा शरीर में तापमान का नियमन, ये तापमान को एकदम स्थिर बनाए रखता है, ठीक है, यानी कि ये जो इसका काम है टेम्परेचर यानी कि तापमान को, इसका मेन काम यही होता है कि तापमान को स्थिर बनाए, शरीर के तापमान को एकदम स्थिर बनाए रखता है, ठीक है, कंट्रोल किए रखता है, हाँ। पांचवा पॉइंट है समस्थितता, समस्थितता बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट दिया गया वो क्या है, समस्थितता बनाए रखना, इसका मतलब होमियोस्टेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो है जल यानी कि पानी, ठीक है, कम हाइड्रोजन प्लस, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होता है उसका, ठीक है, तथा कुछ केमिकल मतलब कि कुछ रासायनिक पदार्थ, ठीक है, इन सब का जो है वितरण करना, है ना, इन सब का वितरण करके जो है यानी कि तथा कुछ रासायनिक पदार्थों का वितरण करके शरीर के आंतरिक भागों में समस्थितता बनाए रखता, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, इसका मतलब जो ब्लड होता है रुधिर, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सब जो मिल करके यहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो बना हुआ है ये क्या है, सारे के सारे रुधिर से बना हुआ है ना, मतलब जो तीनों पाए जाते हैं रुधिर, मतलब जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक, यही सब तो इसमें पाए जाते हैं, तो ये सब मिल करके जो यहाँ पे बनाते हैं और यही जो शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं, ठीक है, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, मतलब कि लड़ता है जो शरीर में रोग फैलाते हैं उन रोगों से, ठीक है। अगला पॉइंट है यानी कि सातवां पॉइंट ऑक्सीजन का परिवहन, यह परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ऑक्सीजन को फेफड़े के द्वारा, ठीक है, यानी कि फेफड़े से लेकर के, यानी कि फेफड़े से वो लेता है, उसके बाद जो है वह शरीर की जितनी कोशिकाएं होती है, ठीक है, चाहे जो मतलब सारी की सारी कोशिकाएं उन सब में इस ऑक्सीजन को ले जाकर के पहुंचाता है, ठीक। अगला पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, शरीर में उपापचय क्रियाओं के द्वारा यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होती है इन सब के क्रिया के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं यानी वेस्ट मटेरियल उन सब का जो है परिवहन करता है, और परिवहन करते टाइम ये किडनी
ये किडनी के पास लेकर के जाता है, ठीक है, यानी कि ब्रिक के या उत्सर्जी अंगों के पास लेकर के जाता है, जहां से इनका जो है उत्सर्जन हो सके, ठीक है, ये बाहर निकल जाए। All right.